जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, अपने दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि सर, स्पोर्ट्स कोटे के बाद हम NIS कब कर सकते हैं, NIS की प्रक्रिया क्या होती है, शॉर्ट NIS कब होता है, लॉन्ग NIS कब कर सकते हैं। तो दोस्त, आपको हम बता दें, दोनों की अलग अलग उम्र है और दोनों की क्वालिफिकेशन भी अलग अलग रखी गई है। 12वीं क्लास के बाद आप शॉर्ट NIS कर सकते हैं, जो 6 वीक्स का होता है। आप अगर स्टेट लेवल के भी प्लेयर हैं तो भी आप ये सर्टिफिकेट कोर्स करके आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं या छोटे स्टेडियमों में भी आप अपने काम कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए आपको जरूरी है कि 2 नेशनल या 2 यूनिवर्सिटी या 2 खेलो इंडिया या 2 स्कूल गेम में आपने पार्टिसिपेट किया हो, चाहे जूनियर हो, सीनियर हो या सब जूनियर हो या यूथ हो, आपने किसी में भी 2 नेशनल प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया है और आपकी उम्र निर्धारित किए हुए उम्र के भीतर है, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये लगभग 1.5 साल का कोर्स होता है और आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण साई बड़े स्टेडियमों में, स्कूलों में, कॉलेजों में आप स्पोर्ट्स कोच के रूप में काम कर सकते हैं और आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आपके जीवन में कम से कम 46,000 के आसपास से सैलरी आपको NIS करने के बाद मिलती है और सरकारी जॉब में अगर आप चाहते हैं तो 4600 ग्रेड पे से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। आपके पास एक अच्छा अनुभव स्पोर्ट्स करने का, आपको रेफरीशिप करने का अनुभव अच्छे प्लेयरों को अच्छे जगह तक पहुंचाने में बहुत अधिक सहायक साबित होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए और जो भी चीज़ें हैं NIS की वो कंप्लीट करिए। हर जनवरी के आसपास फुल NIS का आता है, शॉर्ट NIS का साल में 2 बार आता है और पूरे भारत में कई ऐसे सेंटर हैं जहां से आपको शॉर्ट NIS फुल NIS कराया जाता है। जो सेंटर आपको बहुत अच्छा लगे वहां से NIS कर सकते हैं। NIS हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाता है और यह एक विश्व में भी आपको कोच बनने का अवसर प्रदान करता है कि आप NIS कोर्स कर लें और अरब जैसे देशों में जाके कोच बन के अपने जीवन को अच्छा बनाएं और अच्छी मोटी सैलरी कमा सकें। तो आज के युग में सबसे इम्पोर्टेंट है, हर कोई चाहता है कि अच्छी सैलरी हो, तो विदेशों में बहुत अच्छी सैलरी है और इंडियन नागरिक और इंडियन एजुकेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, आपके अरब अमीरात, अफ्रीकी कंट्री जो है वहाँ पे भी सबसे अधिक मान्यता आपके इंडियन कल्चर, इंडियन एजुकेशन को दिया जाता है। तो उसका बेनिफिट लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। दोस्तों में वीडियो शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।